please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में सफर करना आज से महंगा हो गया। न्यूनतम किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि अधिकतम किराया 60 रुपए बढ़ गया। सोमवार देर शाम किराए में बढ़ोतरी के मुद्दे पर डीएमआरसी के चेयरमैन की तरफ से बैठक बुलाई गई और ये फैसला लिया गया। इस बैठक में डीएमआरसी ने किराया बढ़ोतरी के मामले में दखल नहीं देने से इनकार कर दिया। इससे पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल को दोबारा चिट्ठी लिखकर किराया बढ़ोतरी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की थी। दिल्ली मेट्रो में आज से किराया बढ़ चुका है, क्योंकि आज से ही ये किराया लागू होना था और बढ़ा हुआ किराया जो लागू हुआ है उसके बाद अब जो यात्री मेट्रो के हैं उनको अधिक से अधिक 10 रुपया और अधिक पे करना होगा। और ये इसलिए पे करना होगा क्योंकि इससे पहले जो है मेट्रो का किराया इससे एक साल के अंदर ही एक पहली बार बढ़ा था, लेकिन आज फिर दूसरी बार ये किराया बढ़ा हुआ किराया लागू होगा। अगर आप 0 से 2 किलोमीटर तक जाते हैं तो मेट्रो में कोई भी किराया की बढ़ोतरी आपके टिकट पर नहीं होगी, लेकिन अगर आप 2 से 5 किलोमीटर के बीच में जाते हैं तो आपका किराया जो बढ़ा हुआ है वो शुरू हो जाएगा और अधिकतम किराया जो है वो 10 रुपये होगा। अगर आप 50 रुपये का सबसे पहले 32 किलोमीटर तक 50 रुपये का सफ़र तय करते थे जो आज बढ़कर 60 रुपये हो जाएगा। मैं जांगीरपुर से आया हूँ जी और मैं हनुमान मंदिर पे राजीव चौक पर उतरा हूँ जी। मेरे 40 रुपये टिकट लगाया सर और ये इसकी स्लिप है सर, आप देख सकते हो उस चीज़ को। और आज का बढ़ा हुआ किराया सर ये बढ़ा हुआ किराया है जी। हाँ सर, आपको लगता है कि जो इसके विरोध में दिल्ली सरकार थी तो क्या दिल्ली सरकार सही थी या केंद्र सरकार ने ये सही किया है बढ़ा हुआ किराया देकर? ये तो थोड़ा गलत है जी, हर एक आदमी पे इस पर उसका बोझ पड़ेगा और ये नहीं बढ़ना चाहिए था। पहले जो था पहले वही सही था। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा हर एक आम आदमी पे सर। और कुछ और लोग भी हैं, आज आपको पता होगा कि मेट्रो का किराया बढ़ा हुआ है। हाँ, एक्चुअली आज जब मैंने सुबह हम लोग डेली पैसेंजर हैं यहाँ से और शास्त्री पार्क से हम लोग चेक इन करते हैं और राजीव चौक मेरा डेली का अपना चेकआउट होता है। अभी हम मई की बात करें तो शायद मेरा जो रेंट लग रहा था वो 11 रुपये लग रहा था, आज 24 रुपये हो गया है। तो करीब ये कितना परसेंट बढ़ा, इसमें 250% के आसपास की वृद्धि हुई है। अब हमारी फैमिली में हम लोग 3 लोग हैं जो मेट्रो से डेली सफ़र करते हैं, तो अगर हम डेली का किराया अपने फैमिली का देखें तो करीब 250 से 300 रुपये डेली का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली दो मेम्बर है जो गुड़गांव जाते हैं, तो हमारा तो डेली का 250 रुपये बढ़ गया है। अब महीने का लगा लीजिए आप तो 25 रुपये का, 25 दिन के हिसाब से वर्किंग लगाओ, 200 रुपये डेली का लगाइए तो कितना पैसा बढ़ गया। इतनी तो इनकम बढ़ती नहीं है साल के अंदर, इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है प्राइवेट जॉब्स के अंदर जितना आपने किराया बढ़ा दिया है। एक फैमिली के अंदर 3 से 4 लोग आजकल मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उनकी तो डेली आप जो बजट है पूरा बिगाड़ दिया है। आप कह रहे हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल हाइक कर रखा है, आपने तो इकट्ठा ही लूट लिया लोगों को। मेट्रो किराए जानबूझ के बढ़ाए गए हैं और बढ़ाए इसलिए गए हैं ताकि जनता की जेब से जो पैसा निकले वो प्राइवेट टैक्सी कंपनियों को जा सके। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह की कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह से अपने फोटो खिंचवाते हैं उन टैक्सियों के साथ में, आज उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेट्रो का किराया बढ़ाया जा रहा है ताकि मेट्रो का किराया इन टैक्सियों से ज़्यादा हो जाए और जो लोग मेट्रो में चल रहे हैं लाखों लोग वो सड़क पर उतरें और इन टैक्सियों का इस्तेमाल करें। आज बहुत बड़ी साजिश के तहत मेट्रो का किराया बढ़ाया जा रहा है और चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, वो मना कर रही है। 5 मेंबर्स उसके मना कर रहे हैं। बोर्ड के पास में ये पावर है, वो डेफर कर सकता था फैसला, बोर्ड ने डेफर नहीं किया। तो यूपी की योगी सरकार ने अयोध्या के लिए विशेष योजना तैयार की है जिसे नव्य अयोध्या का नाम दिया गया। यूपी सरकार एनजीटी से एनओसी मिलने पर सरयू नदी में 100 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनवाएगी। सरकार ने अयोध्या में 133 करोड़ की विकास योजना को मंजूरी दे दी। अयोध्या में छोटी दिवाली पर राम की पौड़ी पर 1,71,000 दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, सरयू के घाट पर आरती भी होगी, साथ ही इंडोनेशिया और थाईलैंड की रामलीला का मंचन भी होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या में छोटी दीपावली मनाने जा रही है। इस मौके पर अयोध्या में सरयू के किनारे 1,71,000 दिए जलाने की योजना है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 2 देशों इंडोनेशिया और थाईलैंड की रामायण का मंचन होने जा रहा है, लेकिन
अयोध्या के विकास की बात राम के बिना होते दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर योगी सरकार ने अयोध्या में राम के नाम का जिक्र किया है। अयोध्या के लिए तैयार विशेष प्लान जिसे कि नव अयोध्या का नाम दिया गया है, उसमें एनजीटी की अनुमति मिलने पर अयोध्या में सरयू नदी के बीचों बीच भगवान राम की 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने का फैसला लिया गया है। अब देखना है कि अयोध्या में एक बार फिर राम के नाम इर्द गिर्द और राम के इर्द गिर्द घूमती सियासत किस तरीके से मोड़ लेती है। विपक्षियों का कहना है कि एक बार फिर अयोध्या के बहाने राम की राजनीति की कोशिश की जा रही है, वहीं सरकार इसे अयोध्या की गरिमा को लौटाने का अवसर करार दे रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश कोबी के साथ चतुर्वेदी, अयोध्या, न्यूज 18 इंडिया। उधर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर सरयू में राम की प्रतिमा लगाने की योगी सरकार की योजना पर हमला बोला। सिब्बल ने ट्वीट किया और कहा कि भगवान राम भाईचारे के लिए जाने जाते थे, योगी जी अयोध्या में सरयू तट पर भाईचारे की प्रतिमा लगाकर कर्म योगी बनिए। देखिए ये तो बीजेपी शुरू से कर रही है कि वो धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करके हिंदू पोलराइजेशन करना चाहती है और ये उसका कोई झका छुपा एजेंडा नहीं है, खुला हुआ एजेंडा है। अब इस पर क्योंकि सेकुलर पार्टियां इस मामले में की मुखालफत नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको नुकसान होगा हिंदू वोटों का, इसलिए वो बयान इसको बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। अब देखिए रिलीजियस जहाँ तक अयोध्या का डेवलपमेंट है उस पर किसी को इतराज नहीं सकता। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि अयोध्या का डेवलपमेंट हो, अयोध्या जुड़ा हुआ है रामचंद्र जी से, लिहाजा उसका डेवलपमेंट में किसी को इतराज नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो मजहबी जमात है रामचंद्र जी की प्रतिमा, ये एक खास मजहब की निशानी है, ये देश का कल्चर या डेवलपमेंट का ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, अयोध्या हमारी सांस्कृतिक नगरी है और इसलिए अयोध्या के अंदर बहुत दिनों से विकास नहीं हुआ, जब से हमारी कल्याण सिंह की राजनाथ जी की सरकार थी उस समय हुआ था, इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। तो वहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र है, तीर्थयात्री बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो वहाँ पर सुविधाएँ चाहिए, तो सुविधाओं की दृष्टि से सांस्कृतिक पार्क होने चाहिए, रामायण पार्क होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रामलीला के लिए कोई अच्छा स्थान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस हिसाब से हो रही, तुष्टिकरण क्या है, विकास होना चाहिए, तुष्टिकरण कौन सी इसकी बात हो रही है। अयोध्या के अंदर वहाँ पर समग्र विकास होना चाहिए, लाखों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, उनको सुविधाएँ नहीं मिलती, वहाँ धर्मशाला की ज़रूरत है, अच्छे गेस्ट हाउस की जरूरत है, अच्छे होटलों की जरूरत है, ये सारी चीज़ें यात्रियों के लिए मिलनी चाहिए। तो ये सब आखिर वहाँ विकास हो, डेवलपमेंट वहाँ जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक कैसे काम चलेगा। उधर गुजरात के चुनावी दौरे पर गए राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते विवादित बयान दे दिया। छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल ने तंज कसा कि आरएसएस में महिलाएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि क्या आपने आरएसएस में शॉर्ट्स पहने महिलाओं को देखा है। कि जब तक महिला चुप रहे और कुछ बोले ना तब तक महिला ठीक है, मगर जैसे महिला ने अपना मुंह खोला तो फिर उसको चुप करवा। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें, आपने कभी देखा है शाखा में, आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? उधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। अमित शाह यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति के मुताबिक पूरे देश में विकास का सपना दिखाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष अपने ही लोकसभा क्षेत्र का विकास करने में पीछे रह गए। स्मृति ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बार बार अमेठी है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए आ रही हैं। ये जो सामने मंच बना हुआ है, ये वो मंच है जहां से आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 21 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ये सभी अमेठी के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें अमेठी के विकास को ध्यान में रखते हुए जिन्हें तैयार किया गया है, जिन्हें बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अमेठी में एक आक्रामक भूमिका में दिखाई देती रही है। विकास के नाम पर कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर वार किए जाते हैं और इस कार्यक्रम के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे रैली के मैदान के ठीक बगल में जो पीछे होर्डिंग और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, उसके ठीक पीछे जो जमीन है वो सम्राट साइकिल परियोजना के अंतर्गत आने वाली जमीन है। UPSIDC की वो जमीन जो कि सम्राट साइकिल प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी और जिसे बाद में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने नीलामी में खरीद लिया था। साफ तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर बीजेपी ने कई सियासी वार गांधी परिवार पर किए थे और आज अमेठी से ही उस सम्राट साइकिल के लिए अधिग्रहित जमीन के ठीक बगल से जो ये रैली होने वाली है, माना जा रहा है कि गांधी परिवार पर आज भी कई वार देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां से लगातार राहुल गांधी जो कि बीजेपी पर आक्रामक हैं, GST समेत तमाम मुद्दों को लेकर उन पर हमला करते वार करते दिखाई दे सकते हैं। अब देखना है कि किस तरीके से आज जो पूरा का पूरा ये कार्यक्रम है होता है और किस तरीके से राहुल गांधी को एक बार फिर निशाने पर लेने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष त्रिवेदी, अमेठी, News18 India। He genuinely has no clue as what's happening in his own constituency, let alone then pass off these stories about how maine ye pita kaata to ye mera kaam kar rahe hain. और पीटा काटने के लिए काफी जाने जा चुके हैं, हर गली नुक्कड़ में आपको एक बोर्ड मिलेगा उनके यहाँ। आस्क मिस्टर गांधी, ही टेल यू अबाउट बर्कली बट ही विल नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग इन बरोलिया। गुजरात में 4% वैट कम किए जाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी अब कम हो गए हैं। वैट कम होने के बाद पेट्रोल 2.93 रुपए और डीजल 2.72 रुपए कम हो गए हैं। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, जिस तरीके से अब दाम कम हुए हैं, सीधे तौर पर आम जनता को यहाँ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, कितनी खुश दिख रही है आम जनता? निश्चित तौर पर दिवाली में दिवाली तोहफे के तौर पे सरकार इसको प्रयोजन करने जा रही है। साथ ही ये भी याद रहे, यहाँ पर इस बार चुनावी साल है और इसी दिसंबर महीने में चुनाव होने जा रहा है, तो विपक्ष इसको चुनावी बात बताकर इसे तंज कस रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, आम आदमी परेशान था। पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी जो फीसदी कम करके वो दो रुपया कम किया, उसके बाद राज्य सरकारों को अपील की कि राज्य सरकार अपने हिस्से का वैट कम करे। गुजरात पहला राज्य है जिसने 4% तक वैट कम किया है, जिसके चलते 2.93 रुपए पेट्रोल में और 2.72 रुपए डीजल में कटौती होगी। तो निश्चित 5 रुपए जितना कम जब हुआ, बिल्कुल फायदा आम जनता को मिलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनक। छह महीने में दूसरी बार दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। एक गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए सैलरी नहीं बढ़ रही, किराया बढ़ रहा है। अभी तो बढ़ा था, तब एक ही बार बढ़ाना चाहिए था ना। अमेठी में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी रैली, तो उधर गुजरात में राहुल दूसरे दिन भी ताल ठोकेंगे। अयोध्या के सरयू नदी में 100 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनवाने के योगी सरकार के फैसले पर विवाद हो गया। गुजरात में वैट 4% कम किए जाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटे। नोएडा के सेक्टर 49 में आपसी रंजिश में दो सगे भाइयों की गला रेत कर हत्या। गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाली JBM ग्रुप के 60 ठिकानों से 30 करोड़ नकद, 40 किलो सोना जब्त। गुवाहाटी में दूसरा T20 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने उतरेगा भारत।